डालेंगे उसके बाद डोर बंद कर देंगे। डोर अगर बंद नहीं करेंगे तो टीवी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑन यहाँ से करेंगे, इसे हटा दूं मैं। पावर ऑन यहाँ से करेंगे, पावर ऑन यहाँ से करेंगे। अच्छा, ये कपड़े डालने से पहले वहाँ से ऑन कर देंगे ना? हाँ, पावर ऑन यहाँ से करेंगे। उसके बाद डिटर्जेंट या लिक्विड इसमें डालेंगे, शॉप कंफर्ट एंड इजी इसमें डालेंगे। ये होता है प्रीवॉश के लिए, आगे प्रोग्राम में जाके समझाऊंगा। पावर ऑन करके कपड़े डाल दिए, देन कुछ ही एक प्रोग्राम ले लेंगे, मिक्स कर लीजिए। जैसे ये रिंग्स प्लस ये लाइट बिलिंग कर रही है, मतलब ये प्रोग्राम चल रही है। बेबी केयर वाले बच्चे कपड़े, इजी केयर वाले अंडर गार्मेंट्स, मिक्स फैब्रिक डेली वेयर के कपड़े, कॉटन लार्ज बेडशीट या चादर कॉटन वाले कपड़े, स्पोर्ट वेयर वाले कपड़े, डेलिकेट नेट वाले साड़ी या चुन्नी, ऊनी वाले कपड़े, क्विक 30 जैसे पार्टी वगैरह में जाते हो ज्यादा गंदे नहीं होते, 1 से 2 जोड़ी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट गए आके उतार दीजिए, जिम गए आके उतार दीजिए, या मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती है तो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद रिंस स्पिन, इसमें जैसे आपने कपड़े बाहर से धो लिया उन्हें सिर्फ आपको खालना और सुखाना है तो इसमें करेगा, ठीक है। कोई भी एक प्रोग्राम लेंगे फिर स्टार्ट बटन यहाँ से होगा, स्टार्ट बटन ही होगा। उसके बाद जैसे मतलब हमको पानी स्टार्ट बटन दबाएंगे तो पानी अपना देने लगेगा। हाँ, उसके बाद जैसे आपको सिर्फ पानी और बंद कैसे करेंगे, बीच में अगर बंद करना हो तो? यहीं से बंद होगा, यहीं से चालू होगा। ऑन ऑफ ये है, स्टार्ट बटन पॉज बटन ये है, ठीक। और सुखाने के लिए सिर्फ स्पिन करेंगे यहाँ से, देन स्टार्ट बटन करेंगे, ठीक है मैम। ये स्पिन लिखा हुआ ना, यहीं से करेंगे। उसके बाद जैसे बच्चे होते हैं ना छेड़ते रहते हैं, तब चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं। ये बच्चे जैसे छेड़ते रहते हैं तो इन दोनों को लिखा हुआ ना, तो इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड, ठीक है। चाइल्ड लॉक हो गया, कुछ बटन काम नहीं कर रहा, सिर्फ पावर ऑन ऑफ काम होगा। देन इसे हटाने के लिए भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, देखिए कुछ काम नहीं कर रहा। देन इसे हटाने के लिए इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है मैम। उसके बाद जैसे आपने 8-7 कपड़े डाल दिए जैसे मिक्स फैब्रिक में, तो उसमें 1-2 दाग धब्बे रहते हैं ना, तब इंसेंटिव भी ले सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के साथ अगर आप ये ले रहे हैं तो 20-25 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है मैम, क्योंकि ये एडिशनल प्रोग्राम है। उसके बाद टेम्परेचर मोड है, हर मोड में अलग अलग टेम्परेचर लेता है ये, तो आप यहाँ से टेम्परेचर भी छेड़ सकते हैं, ठीक है मैम जी। और टाइम डिले क्या है बता रहा हूँ। उसके बाद प्री वॉश, जैसे कंटिन्यू बारिश हो रही है, आप बाहर से आते हैं उसमें पैंट में जीन्स में साड़ी में कीचड़ लग जाता है ना, अब चाहते मेरे कपड़े पहले नॉर्मल पानी से वॉश हो, उसके बाद डिटर्जेंट वाला पानी से वॉश हो, तो उसके लिए सेम ऐसे कोई सा भी प्रोग्राम ले लेंगे। सपोज प्रिय मिक्स फैब्रिक ले लिया आपने, उसके बाद प्री वॉश यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है मैम। तो क्या करेगा, पहले जो नॉर्मल पानी यहाँ से लेगा, फिर डिटर्जेंट वाला पानी यहाँ से लेगा, मैं बता रहा था ना प्री वॉश के लिए बाद में बताऊंगा। तो पहले नॉर्मल पानी से कपड़े धो देगा, फिर उसके बाद डिटर्जेंट, पहले आप चाहते हैं ना पहले मेरे कपड़े जो कीचड़ है वो पहले नॉर्मल पानी से वॉश हो, उसके बाद डिटर्जेंट, तो प्री वॉश का पानी यहाँ से लेगा, फिर डिटर्जेंट, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे डिले टाइम, जो आप पूछ रहे थे डिले टाइम, ये होता है जैसे घर पे आप भी नहीं रहेंगे, सर भी नहीं, जैसे ऑफिस जाते हैं सपोज करिए, तो आपने ऑन किया कोई सा भी प्रोग्राम ले लिया, तो डिले टाइम आप लगा के जा सकते हैं। सपोज करिए आपने 8 घंटे लगा दिए, मतलब 8 घंटे आप ऑफिस से घर पे आएंगे 8 घंटे में डायरेक्ट, तो स्टार्टिंग के 6 घंटे बंद रहेगा, लास्ट के 2 आवर्स में काम करेगा। जैसे आप रूम पे आएंगे तो आपके कपड़े वॉश मिलेंगे, या तो आपने 10 घंटे लगा दिए, स्टार्टिंग के 8 घंटे बंद रहेगा, लास्ट के 2 आवर्स में काम करेगा। जैसे आप रूम पे आएंगे तो कपड़े वॉश मिलेंगे, ठीक है मैम। उसके बाद जब हम कपड़े धोते हैं तो इसके अंदर गंदगी है, स्केलिंग जम जाती है, आपको पता है, और यहाँ का पानी भी हार्ड है, तो इसके लिए एक बेस्केल पाउडर आता है 499 का, अभी लेंगे तो बाद में लेंगे तो 699 का मिलेगा। तो सेम इसका डिस्केल पावर करने के लिए मेरे बैग में है डब्बा, उसमें एक डब्बे में 3 पैकेट होता है, चाहते तो आप ले सकते हैं, अभी दिखा दूंगा। तो एक पैकेट लेंगे जैसे पार के इसमें डाल देंगे या टब के अंदर डाल देंगे, उसके बाद इन ये लिखा हुआ है ना ये, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे 3 सेकंड होल्ड, तो यहाँ पे TCL लिख के आ जाएगा, तो ये टब क्लीन हो जाएगा, जितनी भी गंदगी रहेगा स्केलिंग रहेगा सब साफ कर देगा। आप अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे टब को रस्टेड करके वो डैमेज भी कर देगा।
इसलिए कंपनी बोलती है 30 वर्ष के बाद, यानी 1 से 1.5 महीने में आपको यूज करना है। कैसे डालना है उसको, इसमें डालना है ऊपर? हाँ, इधर डालना है डिटर्जेंट के यहाँ, या फिर डायरेक्ट टब में डाल दे, कोई इश्यू नहीं। कितना डालना है एक बार में? एक पैकेट डालना है, 3 पैकेट होते हैं एक डिब्बे में, ठीक है मैम। और ये नीचे? हाँ, और एक ये जो नीचे होता है, जैसे आप कपड़े जेब चेक करके डाले, जिसमें सिक्का या चिट्ठी पिन रह जाता है ना, तो वो यहाँ से निकल जाएगा जो भी सिक्का चिट्ठी पिन रहेगा। और ये भी एक फिल्टर होता है, 10 से 15 दिन में आपको साफ करना है, ठीक है मैम। जो भी सिक्का होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, देन ये ऐसे करके लगेगा और ऐसे करके निकल जाएगा, ऐसे करके लगा देंगे और इसे टाइट करके बंद करेंगे, नहीं तो पानी लीक करेगा। इसे टाइट करके लगा देंगे। बगल वाला उसके जो एक है, इससे बगल में भी एक तार लगा था, वो तार नहीं है मैम, वो आपके लिए नहीं है, वो इंजीनियर के लिए है। अभी लेंगे 499 के बाद में 699 का मिलेगा। कैसे यूज करना है? तो डाल देंगे इसके अंदर या टब के अंदर डाल देंगे, ये जो एरो लिखा हुआ है, ये दोनों, इन दोनों को 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, TCL लिख के आ जाता है, फिर देन स्टार्ट कर देंगे, जितने भी गंदगी रहेगा, स्क्रीन रहेगा, सब निकाल देंगे।